नमस्कार, स्वागत है आप सबका। यह है बीबीसी दुनिया और मैं हूं शिवानी कोहक। संयुक्त राष्ट्र ने दी अफ्रीका और मध्य पूर्व के 4 देशों में भुखमरी की चेतावनी, साउथ सूडान में घोषित किया अकाल। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुना नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। उत्तर कोरिया के तानाशाह के सौतेले भाई की हत्या पर सस्पेंस जारी, दोबारा होगा पोस्टमार्टम। ब्रिटेन की 5 महिला सैनिक अंटार्कटिक पार करने वाली पहली महिला टीम बनने की तैयारी में। और आखिर में ताइवान के खेतों में उगती बिजली ला रही है नई क्रांति। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि यमन, नाइजीरिया, सोमालिया और साउथ सूडान में 15 लाख बच्चे भुखमरी की कगार पर हैं। अफ्रीकी देश साउथ सूडान के कुछ हिस्सों में अकाल की स्थिति घोषित की गई है। पिछले 6 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि दुनिया में कहीं अकाल घोषित किया गया है। ये सबसे नया देश है जो कि 2011 में बना था। पूर्व उपराष्ट्रपति रीक माचार और राष्ट्रपति साल्वा कीर के बीच लड़ाई से गृह युद्ध शुरू हुआ। 3 साल से जारी लड़ाई से यहाँ स्थिति बहुत खराब हो गई है। अकाल की मार बच्चों पर सबसे ज्यादा पड़ती है। राजधानी जुबा के अस्पताल में ये बच्चे जबरदस्त कुपोषण के शिकार हैं। कुपोषण काफी खराब है। मैं यहाँ कुछ सालों से हूँ, लेकिन इस साल कुपोषण बढ़ गया है। दक्षिण सूडान के इस हिस्से में लाखों लोग भुखमरी से पीड़ित हैं। गृह युद्ध की वजह से कई लोग पहुँच से बाहर हैं और उन्हें मदद नहीं मिल पा रही। सबसे दुखद बात यह है कि ये इंसानों की बनाई हुई स्थिति है। लड़ाई की वजह से अकाल से परेशानी और बढ़ गई है। करीब 3 साल से देश भर में जाति आधार पर जंग जारी है। पिछले साल शांति समझौता टिका नहीं और हिंसा बढ़ गई। आर्थिक संकट और महंगाई की वजह से खाना पहुंच से बाहर है। कुछ शहर पूरी तरह से खाली हो गए हैं। सिर्फ 6 महीनों में 4.5 लाख लोग युगांडा चले गए। रोज बलात्कार, हत्या और जुल्मों के बीच हजारों लोग सीमा पार करने की कोशिश करते हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि अगर लड़ाई नहीं रोकी गई तो यहाँ नरसंहार का खतरा है। अब कुछ और अहम खबरों पर एक नजर। एक जख्मी फिलिस्तीनी हमलावर को जान से मारने के मामले में इजरायली सैनिक अजारिया को 18 महीने की सज़ा सुनाई गई है। इजरायल में ये केस काफ़ी हाई प्रोफाइल बन गया था। इस सज़ा को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है और लोगों की राय पटी हुई है। पिछले साल मार्च में पश्चिमी तट के हेब्रोन में 21 साल के अब्दुल फतेह अल शरीफ की हत्या के मामले में एलोर अजारिया को दोषी ठहराया गया था। लीबिया के शहर ज़ोविया के बीच पर 87 अफ्रीकी प्रवासियों के शव मिले हैं। माना जा रहा है कि ये लोग भूमध्य सागर को पार कर इटली पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। मरने वालों में कुछ बच्चे भी शामिल थे। पास ही एक फटी हुई रबड़ की नाव भी मिली है। मानव तस्करों से भरे इस मार्ग पर हाल ही में समुद्र पार करते प्रवासियों की मौत के मामले बहुत बढ़ गए हैं। चीन के पश्चिमी शिनजियांग इलाके में अधिकारियों ने सभी गाड़ियों में सैटेलाइट ट्रैकिंग उपकरण लगाने के आदेश दिए हैं। ये इलाके में बढ़ते आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का हिस्सा है। सरकार इस क्षेत्र में हिंसा के लिए इस्लामी चरमपंथियों को दोषी मानती है। बीते हफ्ते कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर किम जोंग नम की मौत हो गई थी। उनकी मौत पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दक्षिण कोरिया का मानना है कि उन्हें जहर देकर मार दिया गया था। अब एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि मौत से ठीक पहले क्या कुछ घटा। ये कुआलालंपुर हवाई अड्डे में दक्षिण कोरिया के नेता किम जोंग उनके सौतेले भाई किम जोंग नम के आखिरी पल हैं। हवाई अड्डे की फुटेज में आप देख सकते हैं कि उनके पीछे से एक महिला आई और उसने एक रूमाल जैसे कपड़े को किम जोंग उनके मुंह पर डाला और उसके बाद वो आराम से टहलती हुई वहां से गायब हो गई। ये सब 5 सेकंड में हुआ। इसके बाद किम जोंग नाम हवाई अड्डे पर मौजूद अधिकारियों के पास पहुंचे और उनसे कहा कि एक महिला ने उनके मुंह पर एक कपड़ा पहुंचा है जिसके बाद वो अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। फिर अधिकारी उन्हें चिकित्सा के लिए ले गए जहाँ किम जोंग नाम बेहोश होकर गिर पड़े और उसके बाद उनकी मौत हो गई। अब तक इस मामले में कुआलालंपुर पुलिस ने कई गिरफ्तारियां की हैं जिनमें वियतनाम और इंडोनेशिया की 2 महिलाएं शामिल हैं। मलेशियाई अधिकारियों को अब तक पता नहीं चला है कि उस कपड़े में कौन सा जहर था। इसका पता लगाने के लिए वो एक बार फिर शव का परीक्षण करने वाले हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेफ्टिनेंट जनरल HR मैकमास्टर को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। वे लेफ्टिनेंट जनरल माइकल फ्लिन की जगह लेंगे जिन्होंने पिछले हफ्ते इस्तीफा दे दिया था। इस नियुक्ति के बारे में और जानकारी के साथ वॉशिंगटन से हैं
जेन ओब्रायन। मैकमास्टर का काफी सम्मान किया जाता है। वो अमेरिका के एक तेज तर्रार सैन्य दिमाग हैं और मौजूदा राजनीतिक माहौल के बावजूद सभी पक्षों ने उनके नामांकन का स्वागत किया है। वो स्पष्टवादी हैं और इस वक्त कैबिनेट में उनके जैसे कई लोग हैं। उनके इस स्पष्टवादी अंदाज का क्या असर पड़ेगा ये देखना होगा, लेकिन सबसे पहले उन्हें राष्ट्रपति के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना होगा क्योंकि वो उन्हें पहले से नहीं जानते। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में उनकी क्या जगह होगी ये राष्ट्रपति पर ही निर्भर होगा, क्योंकि पिछले चार हफ्ते में इस अहम परिषद में बहुत बदलाव आए हैं और अमरीकी गुप्तचर एजेंसियां भी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों से अधिक खुश नहीं रही हैं। उधर रूस अमेरिका के रिश्तों पर रूस की पैनी नजर है। अमेरिका के लिए उस पर नजर बनाए रखना जरूरी होगा। हम जानते हैं कि मैकमास्टर रूस को हमेशा से एक बड़ा खतरा मानते आए हैं, लेकिन उन्हें रणनीति की अच्छी समझ है, तो ऐसे में आगे की स्थिति पर नजर रखना जरूरी है। बीबीसी शॉर्ट्स में देखिए, प्रतियोगिता में चला गलत राष्ट्रगान और हेलीकॉप्टर रास्ता भटका। ऑस्ट्रिया में चल रही एक प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आई रूस की टीम पर पदक लेने के बाद गलत राष्ट्रगान चला, जिसके चलते खिलाड़ियों ने खुद ही राष्ट्रगान गाया। बाद में इसके लिए माफी भी मांगी गई। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक गाड़ी एक दुकान के अंदर घुस गई। उस वक्त दुकान में एक आदमी सामान खरीद रहा था। दुकानदार ने कहा कि उस व्यक्ति को ज्यादा चोट नहीं आई और वो एम्बुलेंस तक पैदल चलकर गया। रास्ता भूलने पर आप अपने आसपास वालों से रास्ता पता करते हैं, पर आसमान में रास्ता कौन बताएगा। कजाकिस्तान सेना का एक हेलीकॉप्टर रास्ता भटक गया और पायलट ने जमीन पर उतरकर एक ट्रक ड्राइवर से रास्ता पूछा। सालों से परमाणु ऊर्जा पर निर्भर ताइवान की सरकार अब 2025 तक इसका इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर देना चाहती है। सरकार अब अक्षय ऊर्जा की तरफ ध्यान दे रही है और इसके चलते विंड टर्बाइन स्थापित करने और खेतों में सौर ऊर्जा पैदा करने के लिए निवेश कर रही है। सरकार ग्रीन ऊर्जा से 20% बिजली की जरूरत पूरा करना चाहती है। इन खेतों में अब फसल नहीं उगाई जाती, बल्कि इस जमीन का इस्तेमाल सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए किया जा रहा है। दरअसल ये मिट्टी खराब हो चुकी है, तो किसानों ने पैसे कमाने का ये नया साधन ढूंढ लिया है। वे सौर ऊर्जा कंपनियों को जमीन लीज पर देते हैं और पैनलों की देखरेख कर पैसा कमाते हैं। पर खेतों में सोलर पैनल का मतलब ये नहीं कि किसान कुछ उगा नहीं रहे। हमारे पूर्वजों की जमीन का इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा ये कल्पना भी नहीं की थी। ऊपर सोलर पैनल लगे हैं और नीचे हम मशरूम उगा रहे हैं। ये ताइवान की हवा और दुनिया के लिए अच्छा है। ताइवान की कई मशहूर इमारतों पर भी सौर पैनल लगाए जा रहे हैं। फिलहाल यहां 14% बिजली का उत्पादन परमाणु ऊर्जा से होता है, लेकिन 2025 तक ये पूरी तरह से बंद करने की योजना है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे में सौर पैनलों के साथ अधिक विंड टर्बाइन और नेचुरल गैस पावर प्लांट की भी जरूरत पड़ेगी। 5 ब्रितानी महिलाएं बिना किसी मदद से एंटार्क्टिक पार करने वाली पहली महिलाएं बनने की तैयारी कर रही हैं। वो इस वक्त नॉर्वे में ट्रेनिंग कर रही हैं और वहां ये जानने की कोशिश है कि क्या वो भी खराब मौसम को मर्दों की ही तरह झेल सकती हैं। महिला सैनिकों की ये टीम अंटार्क्टिक पार करने की अपनी ट्रेनिंग के आखिरी पड़ाव पर है। ये सिर्फ अंटार्कटिक पार करने की बात नहीं है, ये कोशिश है महिलाओं को प्रेरित करने की। ये 5 महिलाएं 80 दिन इसी तरह के तंबू में गुजारेंगी। कोशिश ये जानने की है कि सिर्फ महिलाओं की टीम को ऐसे हालात में रहने के लिए क्या चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में जिंदा रहने के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का सही संतुलन जरूरी है। महिलाओं की खुराक मर्दों से अलग होती है। और फिर कुछ निजी सवाल भी हैं, जैसे कि शौचालय कैसे जाएं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होगी इतनी कठिन परिस्थितियों में हर रोज चलते रहने का मनोबल बनाए रखने की। दुनिया और भारत के पड़ोसी देशों की एक्सक्लूसिव और खास खबरों के साथ हम कल इसी वक्त फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बीबीसी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।